दीक्षित, बदलापूर विकास बातमीपत्रात आपले स्वागत। पाहूया त्याच्या ठळक घडामोडी। काल बदलापूर पूर्व जुवेली गाव येथे हरीश पटेल यांच्या आदिराज ग्रुपने आदिराज क्रिस्टल या 7 मजली टॉवरचा भव्य प्रोजेक्ट सुरू केला आहे। बदलापूरमध्ये घर हे नागरिकांना स्वप्नच न राहावे यासाठी आदिराज ग्रुपने अत्यंत रिझनेबल रेटमध्ये बुकिंग सुरू केले आहे। या भव्य प्रोजेक्टमध्ये फ्लॅट बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना अनेक इम्युनिटीज देण्यात येणार आहेत। विशेष म्हणजे दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर फ्लॅट बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांसाठी स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्ट्रेशन मोफत ठेवण्यात आले आहे। बदलापुर में एक देखा जाए तो जमीन के हिसाब से अच्छा जमीन है और यहाँ पे जो लुक वाइज है हिल स्टेशन के बराबर है। कस्टमर लोग को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और हम लोगों ने एक अच्छा स्कीम निकाला है कि जो कम बजट में छोटे से छोटे सब लोग इसमें फ्लैट ले सके। और मैं आशा रखता हूँ कि हमारा ये प्रोजेक्ट है जो हम लोगों ने एकदम कम रेट में 2700 रुपये में उसमें भी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन ये 3 दिन के लिए फ्री रखा है। जो माता जी का त्यौहार चल रहा है वो त्यौहार में सबसे ज़्यादा कस्टमर को हम ला सके और उसकी इच्छाएं पूर्ण कर सके, ऐसा आदिराज ग्रुप की तरफ से मैं उसको बाहेंदरी देता हूँ और 2 साल के अंदर उसको पोजेशन दे दूँगा ये भी श्योरिटी देता हूँ। आपका नाम और आपका? मेरा नाम एज ए हरीश पटेल है और एज ए आदिराज कंस्ट्रक्शन कंपनी का CEO हूँ। हमको यहाँ पे बदलापुर में मतलब काफ़ी अच्छा लगा प्रोजेक्ट ये। हम लोग अंधेरी से आए हुए हैं और यहाँ पे मतलब क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टेड है ये इस प्रोजेक्ट के अंदर। बॉम्बे के अंदर इतना रस है तो ये आउटर साइड में मतलब एक वीकेंड एंड कर सकते हैं, वीकेंड में छुट्टी मनाने के लिए भी आ सकते हैं, उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोचा हुआ है। यहाँ पे 2500 रुपये के आजू बाजू का रेट बता रहे हैं हमको यहाँ पे और ये नॉर्मल रेट है, काफ़ी अच्छा रेट है। मतलब आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतना मतलब ज़्यादा आता है तो ये 2500 रुपये रेट बोलेगा तो काफ़ी रिजनेबल हो गया। आज अजय राजा हॉल बस स्टैंड जवळ बदलापूर पश्चिम येथे सकाळी 11 ते 4 वाजेपर्यंत सेवालाल आर्मी संघटनेतर्फे विमुक्त भटक्या समाजाच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती विजय राठोड व प्रकाश जाधव यांनी बदलापूर विकास जवळ दिली। शुभेच्छा दिल्या। आजच्या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूयात। धन्यवाद।